अगर मैं कहूँ कि अपना पूरा हिस्सा फहद भाई को दो तो तुम क्या करोगे? फहद भाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, और ये बात कहने की हिफाकत तुम उनसे मत करना। वो वैसे शाजिया और नफीसा भाभी को लेकर बहुत परेशान है, और जब बात आई इस घर को एक करने की तो उनका जज्बा मुझसे कहीं ज्यादा है। वो तो हंसी हंसी खुशी खुशी मुझे अपना सारा हिस्सा भी दे देंगे। जानती हूँ, लेकिन कल रात फहद भाई ने मामू से बंटवारे की मांग की। के बाद कोई ढंग का काम किया हो तो ये है, कल मैं अकेली 15% की मालकिन बन जाऊंगी, और वो बरकत भी अपना आधा हिस्सा मुझे ही दे देगी। गधी कहेगी। करोड़ों में खेलेंगी आप शाजिया बेगम। क्या बात है, सोच के ही मिजाज रईसों वाला हो रहा है। जब हाथ में आएंगे तब कितना मजा आएगा। डायमंड का सोफा नहीं, तख्त, तो ताज, और मैं हुकूमत करूंगी, सिर्फ मेरा हुक्म गूंजेगा। जन्नत, मजा आ गया। वाह शाजिया बेगम, आपकी तो ऐश है। जी मालकिन। जलेबी। अंगूठी मुझे दे दे सुरैया। जी मालकिन। जलेबी। जान नहीं है क्या? सारा दिन तो ठूस ठूस के खाती रहती है। माफी मलिका, माफी। मलिका नहीं, शाजिया बेगम कहिए। जी, शाजिया बेगम। कितनी गर्मी है यहाँ। तुरैया, पंखा यहाँ करो। ए बुढ़िया, पंखा इधर कर। तेरी इतनी हिम्मत, पंखा इस तरफ। मैंने कहा ना पंखा इस तरफ। यहाँ, 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 यहाँ। बुढ़िया और तेज, हवा नहीं आ रही है मुझे। काम चोर, इस तरफ आ। तेरे सपने में नहीं, तू मेरे सपने में आई है। अंगूर खिलाओ। अंगूर खिलाओ? ये अंगूर मेरा है, ये घर भी मेरा है, और ये सपना भी मेरा है, मेरा। ये अंगूर मेरा है, ये घर मेरा है, सपना मेरा है, सब कुछ मेरा है। मेरा, 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 मेरा। क्या मेरा है? क्या मेरा है? मेरा क्या है? तूने अभी कुछ कहा तेरा है? क्या है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। मैं तो एक सेकंड के लिए डर ही गई थी कि ये हीरो के तख्त पे बैठ गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीपस्टर। तूने मुझे चीपस्टर कहा? नहीं तो अल्लाह का शुक्र है इसके पास न तख्त है न ताज। गधी कहेगी। तुमने मुझे गधी कहा? हो सकता है क्या? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? असली परेशानी तो पंखड़ी है।
आइए ना, आइए। इस एक मसले ने मुझे बहू और बेटी में फर्क सिखा दिया है। एक तरफ तुम दोनों हो जो इस घर के बंटवारे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए शर्मसारी नहीं हो, और दूसरी तरफ मेरी बेटी बरकत जो इस घर को जोड़ने के लिए कोई भी हद पार करने के लिए तैयार। मैं तुम दोनों को बस एक ही बात समझाने आई हूं, अगर फहाद ये घर छोड़ के गया तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। इसका मतलब समझते हो ना तुम दोनों? आपके मुस्तकबिल की रोशनी। अब्बू, आज आपकी बेटी बॉबी मीर खान ने आपका बदला पूरा किया, हो गई विल एग्जीक्यूट, मिल गई आपको उस्मान अब्दुल्ला की जायदाद। चलिए सरिया बेगम। सर, हम जा सकते हैं। थैंक यू। रुकिए डैड, रुकिए डैड। वसीयत हो चुकी है, सबको अपना हिस्सा भी मिल चुका, और अब हम अपने हिस्से के साथ जो चाहे कर सकते हैं, राइट डैड? सॉरी टू से डैड, लेकिन मुझे अपने हिस्से में कुछ तब्दीली चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? वसीयत का अपना हिस्सा भी फहद भाई को दे रहा हूं। मैंने कागजात भी तैयार करवा लिए। आ
काश मैं आपको 51% दे सकता। लेकिन 49% के हकदार तो आप हैं भाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डैड ने आज तक किसी गैर का हक भी नहीं मारा। तो फिर अपने बच्चों का हक कैसे मारेंगे? फिर कभी ये मत सोचिएगा कि डैड ने आपके साथ चीटिंग की। अगर आप जाना चाहते तो आप जा सकते हैं, लेकिन फहद भाई रिश्ते बनाने के लिए बंटवारे की नहीं, उन पे ऐतबार की जरूरत है, ऐतबार की जरूरत। जैन, ये क्या करने जा रहे हो? जज्बाती होके ऐसे बेवकूफियां नहीं करते हैं। दिस इज स्टूपिड जैन। फहद भाई, मेरे लिए बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं है। मॉम, डैड कुछ कहेंगे आप? ये सरासर बेवकूफी है। आगे जाके बुढ़ापे में क्या करेगा ये? बेवकूफी नहीं है भाई, इतनी हिम्मत तो है कि कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। और फिर बुढ़ापे के लिए मेरे पास इस घर के 3 बच्चे तो हैं, आरूप, सनौर, सर, जो मेरा और आला का ख्याल रखेंगे। आज मैं आप दोनों से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। क्या मैं भी आपके उतने ही अजीज हूं जितना जैन है? क्योंकि अगर होता तो आप इन कागजात पे दस्तखत करके मुझे इस तरह इतनी आसानी से आजाद नहीं करते। करूंगा मैं इस तमाम विरासत का अगर आप मेरे साथ नहीं हो? आईने में अक्स ताम्र मुझे उस भाई की शक्ल याद दिलाता रहेगा जिसने इतनी फराग दिली से सब कुछ कुर्बान कर दिया मुझ पर। Sorry, Dad. आप मुझे थप्पड़वारी नहीं, मुझसे ऐसी गुस्ताखी हुई, अपनी थप्पड़वारी मुझे। हाँ, नहीं, नहीं मेरे बच्चे। घर से नहीं होती, इस घर से नहीं होती।
बरकत इस बात में है, इस बात में है कि सब साथ रहे, कि सब साथ रहे। हाँ बेटे, उम्र से नहीं होता, ख्याल से होता है। पर इस बात का एहसास तुमने मुझे आज दिलाया। मुझे और फहद भाई को यह बंटवारा नहीं चाहिए, और शायद बरकत को भी नहीं चाहिए, बरकत को भी नहीं चाहिए, है ना बरकत? सारे फसाद की जड़ तो ये कागजात है। मेरे लिए उस घर में, मेरे लिए उस घर में इज्तिमाई निकाह के सामान से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। कल अलग होने की नौबत आए, अलग होने की नौबत आए तो उस सामान के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बता सकती हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि अपना पूरा हिसाब, अपना पूरा हिसाब फहद भाई को दो, तो तुम क्या करोगे? उम्र से नहीं होता, उम्र से नहीं ख्याल से होता, ख्याल से इस बात का एहसास। मामूगी भांजी, कितने एहसान करोगी मुझ पर और इस घर पर? लेकिन ठीक है, एहसान थोड़ी ना, ये तो फर्ज है तुम्हारा, लेकिन एक फर्ज मेरा भी है जो मैं अब पूरा करूंगा। मामूगी भांजी, लव लेटर में तो नाम लिख ही सकता हूं। आलिया बीवी, क्या कहूं, जब भी कुछ कहना चाह कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि बात अधूरी रह जाती।
जो बात मैं नहीं कह पाया वो बात ये चिट्ठी कहेगी। इस दिन कोल्ड स्टोरेज में मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो आलिया भट्ट के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, मेरी आलिया के लिए, मेरी आलिया के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरी बीवी के लिए। जो बात मैं हर बार कहना चाह पर कभी कह नहीं पाया वो बात मैं आज कहने जा रहा हूं। I love you आलिया, I love you आलिया, I really love you, I really love you।